हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज़ नुजहत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्क्रीन पे आप कुछ कीवर्ड्स देख रहे होंगे लिखे हुए और इन्हीं के बारे में हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि अग्नि 4 मिसाइल किस तरह की मिसाइल है और किस वजह से न्यूज़ में आई है। देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एशियन किंग वल्चर्स कि ये कहाँ पे ओपन हुआ है हाल ही में। उसके बाद बात करेंगे बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की कि ये किस कंट्री का पहला न्यूक्लियर प्लांट है। फिर बात करेंगे इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग की, हाल ही में ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं और इसी तरह से एतुर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और इन पॉइंट्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। द करेक्ट आंसर हियर इज DRDO। अग्नि 4 मिसाइल को डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और किस वजह से ये मिसाइल आजकल न्यूज में आई है, तो रीजन इसका ये है कि इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है 6th ऑफ सितंबर 2024 को ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, ठीक है। तो ये 9th टेस्ट था इस न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का। इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा जो कि ओवरसी करते हैं इंडिया के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। तो अग्नि 4 अपने साथ कैरी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को और ये कंट्रोल होंगे बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। और इसका जो डेवलपमेंट है बेसिकली वो स्टार्ट हुआ था 2007 में ताकि इंडिया की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो मजबूत हो सके अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। और फर्स्ट टेस्ट 2010 में कंडक्ट किया गया था इसका जो कि फेल हो गया था बुरे तरीके से, और बाद में फिर इसका सक्सेसफुल यूजर ट्रायल कंडक्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि अग्नि 4 मिसाइल जो है ये किसने डेवलप की है, तो DRDO ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि 4 किस तरह की मिसाइल है, तो इट इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे नजर डालेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अग्नि 4 की एग्जैक्ट रेंज कितनी होती है, तो इट इज अराउंड 3500 टू 4000 किलोमीटर्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है अग्नि 4 मिसाइल को, तो हम ये पढ़ चुके हैं इट इज DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह की ये मिसाइल है, तो इट इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसको DRDO ने डेवलप किया है, DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। फादर ऑफ DRDO हम किनको कहते हैं, ये हैं वेरी फेमस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की अगर हम बात करें जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था, तो कब फॉर्म किया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को, इसको फॉर्म किया गया था 2003 में। अंडर विच इंडियन मिलिट्री ब्रांच ये जो कमांड है ये ऑपरेट होती हैं, आंसर इज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ओके। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है SFC की, आंसर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स एर्सनल, ठीक है। इसको टेस्ट कहाँ किया गया, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये टेस्ट हुआ है ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में, जिसकी अगर हम बात करें तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था ओडिशा में, आंसर है 1989। एक और नाम क्या है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ ओडिशा का, इसको अब्दुल कलाम आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और पहली मिसाइल कौन सी थी जिसको ITR ओडिशा में टेस्ट किया गया था, सो दैट इज द पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। ये 1988 में टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको इंडिया ने डेवलप किया था। इसकी रेंज है लगभग 150 से लेकर 350 किलोमीटर और इसमें आप लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर्स इनॉग्रेटेड। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर उद्घाटन किया गया। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन गोरखपुर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंडिया का ये पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर द एशियन किंग वल्चर्स जिसको कि हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया गया है गोरखपुर के कैंपियर गंज रेंज में। किसने इनॉग्रेट किया है, ऑब्वियसली यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का पर्पज यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज की उसको बूस्ट करना। और याद रखिएगा इस स्पेशीज को लिस्ट किया गया है इन द IUCN एज इंडेंजर्ड सिंस 2007, ठीक है। तो
ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं बेसिकली, और इस फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए कितने अमाउंट का बजट तैयार किया गया था, 2.8 करोड़ रुपीस का। इसके साथ इस फैसिलिटी को डेवलप किया गया है, इसमें डिफरेंट तरह की एवियरीज मौजूद हैं, वेटरनरी सेक्शन है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं। तो 6 वल्चर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है इस सेंटर में। प्लान है कि 40 पेयर्स और रिलीज किए जाएंगे अगले 8 से 10 सालों में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर्स के लिए इनॉग्रेट कर दिया गया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन कितनी होती है एशियन किंग वल्चर्स की, तो अप टू 40 to 50 ईयर्स, ये 40 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं। किस हैबिटेट टाइप्स में ये पाए जाते हैं, तो ज्यादातर ये ओपन कंट्री, ग्रासलैंड्स और सेमी डेजर्ट्स में आपको मिलेंगे। क्या इनका रोल है इकोसिस्टम में, तो ये नेचुरल स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें कि जो भी बचे खुचे जो डेड बॉडी के रिमेन्स होते हैं उनको ये डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। IUCN की बात करें तो IUCN कब फाउंड हुआ था, सबसे पहले IUCN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको फाउंड किया गया था 1948 में। प्राइमरी पर्पस क्या है IUCN रेड लिस्ट का, तो प्राइमरी पर्पस है जो स्टेटस है प्लांट एंड एनिमल स्पेशीज का ग्लोबल लेवल पे, उसके कंजर्वेशन स्टेटस को चेकआउट करना या एग्जामिन करना, ठीक है। इसमें हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी कौन सी होती है इनकी पूरी लिस्ट में, तो दिस इज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट, जिसमें कि ये स्पेशीज मौजूद है फिलहाल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन UAE। UAE ने हाल ही में कंप्लीट कर लिया है अपना बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, और क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड का, ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा ये न्यूज में है। और ये लोकेटेड है अल दाफरा अबू धाबी में, रुवैस के पास। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2012 में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था और ये फंक्शनल हुआ है 2020 से, ठीक है। इस प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर्स मौजूद हैं, और एक बार जब ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा बाय 21 मिलियन टन्स एनुअली, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेगा अबाउट 40 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल, जिससे कि UAE की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स हैं उनका ये 25% फुलफिल करने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये UAE की मेजर कंपनीज को भी पावर पहुंचाएगा, ठीक है। तो बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड है UAE में। न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि हाल ही में UAE ने कंप्लीट कर लिया है अपना बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, और इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये पहला ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब वर्ल्ड का, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले सिटी ऑफ गोल्ड हम UAE में किस सिटी को कहते हैं, दिस इज द दुबई सिटी। करंट में प्रेसिडेंट कौन है UAE के, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बने थे 2022 में, और इन्होंने अपने हाफ ब्रदर को सक्सीड किया था जिनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज द न्यूक्लियर फिजन। दो तरह का होता है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने इसके बारे में आई एम श्योर पढ़ा होगा। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करती है, दिस इज द कंट्री US। और बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बारे में बात करें तो कौन सी कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है, सो दिस इज द ENEC, Emirates न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन, ठीक है। फिलहाल कितने रिएक्टर्स हैं जो कि फुल्ली ऑपरेशनल हैं इस प्लांट में, तो टोटल 4 रिएक्टर्स हैं जो फुल्ली ऑपरेशनल हैं। कितने परसेंटेज ऑफ UAE इलेक्ट्रिसिटी इससे फुलफिल होगी, सो दिस इज 25%, ओके। कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है जो कॉमनली एसोसिएटेड है विद कार्बन एमिशन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। टारगेट ईयर क्या है फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, दिस इज 2050, ओके। और कौन सी कंट्री है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा कार्बन एमिशन है, दिस इज द कंट्री कतर, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली वेयर वॉज द 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हेल्ड, हाल ही में 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता कहां पर आयोजित की गई। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। 5th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई है नई दिल्ली के अंदर 6 सितंबर को। डिस्कशंस में क्या क्या चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन हुआ। इसी के साथ ये पहला डिफेंस डायलॉग था आफ्टर रिसेंट टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस इंडिया एंड मालदीव्स, क्योंकि पिछले दिनों काफी टेंशंस क्रिएट हो गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, उसके बाद ये पहला ऐसा डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग है। इसके पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट एज अ पार्ट ऑफ हिज इंडिया आउट कैंपेन, इन्होंने इंडियन मिलिट्री पर्सनल को अपने यहाँ से विथड्रॉ कर दिया था, और इन्होंने ये भी दर्शाया था कि प्रो चाइना पॉलिसीज की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं।
रिसेंट जो कॉपरेशन हुआ है इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी रिलेशंस हैं वो अब थोड़े मजबूत हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पांचवा एडिशन था इंडिया मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग का, जो कि हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। चलिए मालदीव्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मालदीव्स की कैपिटल सिटी कौन सी है? तो मालदीव्स की कैपिटल है माले, ठीक है। और इनका ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? सो दैट इज द इस्लाम। फाइन, कौन सी एक मेन बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफेंस कॉपरेशन इन यूरोपियन यूनियन? इट इज द यूरोपियन डिफेंस एजेंसी। कौन सी कंट्री है जिनके पास हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है फिलहाल ग्लोबल लेवल पे? दिस इज द कंट्री यूएस। ये सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्चुअली इनॉग्रेटेड हाउ मेनी न्यू निधि ITBIs अक्रॉस इंडिया? हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने पूरे भारत में कितने नए निधि ITBI का उद्घाटन किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज 8। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 8 नए निधि ITBIs को, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव वेबसाइट को एट IIT दिल्ली। इसी के साथ मार्क किया इन्होंने अपना 8 साल DST निधि का, ठीक है। निधि का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था 2016 में ताकि स्टार्टअप्स को नर्चर किया जाए और इनोवेशंस को सपोर्ट और स्केल किया जाए। निधि में इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल बॉडीज और साथ ही प्राइवेट सेक्टर। इसको फंड किया जाता है थ्रू NSTEDB। क्या चीज है ये? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, ये इसको फंड करती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 8 तरीके के नए निधि ITBIs को इन अक्रॉस इंडिया। फाइन, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहले निधि का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। कब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था? आंसर है 2016। कौन सी सेंट्रल बॉडी है जो कि फंड करती है निधि इनिशिएटिव को? इट इज NSTEDB, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। प्राइमरी पर्पस क्या है निधि प्रोग्राम का? जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको नर्चर करना बाय सपोर्टिंग एंड स्केलिंग द इनोवेशन, ठीक है। कौन सी IIT है जो सबसे पहली बार स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? इट इज IIT खड़गपुर, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। याद रखिएगा IIT खड़गपुर का सबसे ज्यादा बड़ा कैंपस भी है बाय एरिया, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में? इट इज द ईयर 1971। कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाइन, कौन सा डिपार्टमेंट है जो ऑपरेट करता है NSTEDB को? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कौन से साल में ये स्टैब्लिश हुआ था? आंसर इज 1982। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे एवरी ईयर? हर वर्ष किस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं? द करेक्ट आंसर इज 8th of September। 8th of September को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और ये दिन कब से ऑब्जर्व हो रहा है? सिंस 1967, ठीक है। ये जो डे है ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है लिटरेसी की एक जस्ट पीसफुल और सस्टेनेबल सोसाइटी को क्रिएट करने में, और ये सर्व करता है एज अ रिमाइंडर टू ऑल द पॉलिसी मेकर्स, प्रैक्टिशनर्स एंड द पब्लिक कि क्या रोल है लिटरेसी का पर्सनल और सोसाइटल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेंस एम्फसाइज करता है ग्लोबल कमिटमेंट को टू द लिटरेसी एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ओके। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम मनाते हैं 8 सितंबर को। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं? सबसे पहले, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमने पहली बार कब मनाया था? सो दिस इज द ईयर 1967। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि एस्टैब्लिश किया था इंटरनेशनल लिटरेसी डे को? तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है यूनेस्को, ठीक है। और कौन सी रिपोर्ट है जो मॉनिटर करती है ग्लोबल लिटरेसी रेट को? दिस इज यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। फाइन, एस्टिमेटेड ग्लोबल एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है एज ऑफ 2023? इट इज अप्रॉक्सिमेटली 86%। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा शुरू करी है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मोहन चरण मांझी। इन्होंने हाल ही में लीड किया है ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है। इस फैसिलिटी को डेवलप किया है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और ये फैसिलिटी सेटअप हुई है EMC पार्क में भुवनेश्वर के। कितने इन्वेस्टमेंट के साथ? 620 करोड़ रुपीज के साथ
ये फैसिलिटी रिप्रेजेंट करती है एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इंडिया और उड़ीसा के लिए इन द ग्लोबल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट. पर्पज यहाँ पे क्या है, उड़ीसा को प्लेस करना एज अ की हब फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, जिससे कि यहाँ पे इनोवेशन फॉस्टर हो सके और स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट हो जाए. ठीक है, तो हाल ही में इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई है उड़ीसा स्टेट ने. फाइन, कुछ फैक्ट्स देखते हैं. सबसे पहले प्राइमरी एप्लीकेशंस क्या है सिलिकॉन कार्बाइड के. सो इसका बेसिक यूज है सेमीकंडक्टर्स को पावर करने के लिए और एलईडी प्रोडक्शन में ज्यादातर इसका यूज होता है. कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि बहुत जरूरी है फॉर पावर कन्वर्जन इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज ट्रांजिस्टर. इसके बारे में आपने 12th क्लास में फिजिक्स की बुक में पढ़ा होगा आई एम श्योर. ठीक है, कौन सा एक एलिमेंट है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चीजों में? आंसर है सिलिकॉन. कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स की? इट इज द कंट्री ताइवान. ठीक है, जो भुवनेश्वर सिटी है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये इंडिया की टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है. और एक कौन सा फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है? इट इज द कोणार्क सन टेम्पल. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट Which country has secured the top spot as biggest plastic polluter in the world? हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? The correct answer is India here. एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने ये रिवील किया है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर, जिसके बाद हम रिलीज करते हैं लगभग 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली. बहुत ज्यादा है ये. ठीक है, तो प्लास्टिक एमिशन से सबसे पहले आप क्या समझते हैं? प्लास्टिक वेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है एज ऐसे सभी मटेरियल्स जो कि मूव होते हैं फ्रॉम अ कंट्रोल्ड टू एन अनकंट्रोल्ड स्टेट इन द एनवायरनमेंट. इंडिया की जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो अकाउंट करती है लगभग 20% ऑफ ग्लोबल एमिशन को हमारे, और इंडिया जनरेट करता है नियरली 0.12 किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर कैपिटा पर डे. ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एमिशन जो है वो 52.1 मिलियन टन्स थे 2020 में. नाइजीरिया और इंडोनेशिया यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे रहे, यानी कि नाइजीरिया सेकेंड मोस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर है और थर्ड नंबर पे है द कंट्री इंडोनेशिया. और हाई इनकम कंट्रीज जो हैं उनका हायर वेस्ट रेट है, लेकिन उनके पास बेटर कलेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम भी है. ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा एज बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर इन द होल वर्ल्ड. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. कौन सी कंट्री कॉन्टिनेंट है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन? दिस इज एशिया. एशिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है. ठीक है, फिर इसके अलावा नाइजीरिया की कैपिटल सिटी का नाम क्या है? इट इज अबूजा. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज होती है नाइजीरिया कंट्री में? इट इज इंग्लिश. फाइन, कौन सा एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया में जो कि लाई करता है? माउंट मेरापी. बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि माउंट मेरापी की लोकेशन क्या है, आपको उसको जरूर याद रखना है. ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडोनेशिया का? इट इज द बोर्नियो. ठीक है, ये बेसिकली शेयर्ड है, और अगर लार्जेस्ट होली इंडोनेशियन की बात करें इंडोनेशियन आइलैंड्स की, तो दिस इज द सुमात्रा आइलैंड. ओके, कौन सी इंडोनेशियन सिटी है जिसको आप सिटी ऑफ हीरोज के नाम से जानते हैं? इट इज द सुरबाया. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the Union Minister for Textiles, annual export of technical textiles will cross $10 billion by which year? केंद्रीय कपड़ा मंत्री के अनुसार किस वर्ष तक तकनीकी वस्त्रों का वार्षिक निर्यात $10 billion को पार कर जाएगा? ये डेडलाइन है 2030 की. यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो एनुअल एक्सपोर्ट है हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल का, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $10 billion को एक्सीड कर जाएगा बाय द एंड ऑफ 2030. टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? बेसिकली ये ऐसे तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनको कि डिजाइन किया जाता है फॉर दियर फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन एस्थेटिक्स. ठीक है, और इसमें आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल फंक्शनल परफॉर्मेंस और हाई टेक टेक्सटाइल इंक्लूडेड होते हैं. ये जो टेक्सटाइल हैं ये बेसिकली ऑफर करते हैं हाई फिजिकल मैकेनिकल थर्मल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और डिफरेंट इंडस्ट्रियल इनके यूजेस भी हैं. ये यूज होते हैं सेक्टर्स में लाइक कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, मेडिकल और बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं. और ये नेचुरली भी बनाए जाते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करके भी बनाए जाते हैं, और ये कैटेगराइज्ड हैं इनटू 12 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन. ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल के हिसाब से एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल क्रॉस कर जाएगा $10 billion बाय द एंड ऑफ 2030. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि
टेक्निकल टेक्सटाइल्स किस वजह से प्राइमरली डिजाइन किए जाते हैं. सो दीज आर यूज फॉर फंक्शनल प्रॉपर्टीज. ओके, कितने ग्रुप्स में इनको सेग्रीगेट किया गया है बेस्ड ऑन दियर एप्लीकेशन. करेक्ट आंसर इज 12. किस तरह की इंडस्ट्रीज कॉमनली यूज करती हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स का. दीज आर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड मेडिकल. ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. एतूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट्स. एतूर नागरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था किन राज्यों की सीमा के पास स्थित है. करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. ठीक है, किस वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आई है, क्योंकि रिसेंट एनालिसिस में ये पता चला है कि लगभग 50,000 ट्रीज को यहाँ पे अपरूट किया गया है इन 200 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया सिर्फ 2-3 किलोमीटर लेंथ में इन एतूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन का केस आया है, इसी वजह से न्यूज में आ गया. इस सेंचुरी को एस्टैब्लिश किया गया था 1953 में और ये लोकेटेड है नियर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना बॉर्डर्स. ओके, यहाँ पे एक रिवर भी है द याम वागू रिवर जो कि फ्लो होती है इसके थ्रू. और ये बेसिकली जो रिवर है ये सेंचुरी को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है. ये सेंचुरी बेसिकली होस्ट करती है समक्का सरक्का जात्रा फेस्टिवल को भी, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है. हर 2 साल पे इसको कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, याद रखिएगा इस सेंचुरी में एक और रिवर फ्लो होती है एंड दैट इज रिवर गोदावरी. ओके, तो एतूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना. फाइन, क्या क्वेश्चन या क्या स्टैटिक फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था 1953 में. कौन सा एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे कंडक्ट करा जाता है हर 2 साल पे. इट इज समक्का सरक्का जत्रा. ओके, यहाँ पे हमने बात करी थी द याम वागू रिवर की. इसके बारे में कुछ अगर फैक्ट्स देखें तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये रिवर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ्लो होती है, तो एतूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. और ये जो रिवर है ये कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करती है, तो 2 हिस्सों में. ठीक है, याद रखिएगा ये एक पेरिनियल रिवर है ना कि सीजनल रिवर है. ठीक है, हाउ फ्रिक्वेंटली इज दिस फेस्टिवल हेल्ड. तो मैंने आपको बताया कि ये हर 2 साल में एक बार होता है. ठीक है, और कौन सा इंडियन स्टेट है जो इस फेस्टिवल को प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेट करता है, सो दैट इज द स्टेट ऑफ तेलंगाना. फिर पूछा जा सकता है कि कौन सी एक इंडिया की रिवर है जो फ्लो होती है थ्रू एतूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज द गोदावरी रिवर. इन टू विच सी डज द रिवर गोदावरी अल्टीमेटली फ्लो, सो इट फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल. ओके, तो ये हो गए हमारे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. और अब हम यहाँ से चलेंगे अपने रिविजन वाले सेशन की तरफ, जिसमें डेली हम 3 टॉपिक्स कोई भी चूज करके उनको देखते हैं और पिछले 6-8 महीनों के क्वेश्चंस को शफल्ड फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आज के जो हमारे कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को देखेंगे कुछ, फिर हम देखेंगे एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, और लास्ट में हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले चलते हैं अपनी रिपोर्ट की तरफ. कुछ इसमें आपको पिछले 6-8 महीने के रिपोर्ट्स दिखाई देंगे. और पहले भी ऐसा नहीं कि हम लोग ये पहली बार आज इस कैटेगरी को कर रहे हैं, आप पहले भी देखेंगे 3-4 दिन पुराने लेक्चर्स, उसमें भी हमने रिपोर्ट्स को डिस्कस किया हुआ है और हर बार क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अलग दिखाई देंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज एम्पिरिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने. स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने. अकॉर्डिंग टू द DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स. इसमें इंडिया की रैंक रही 62. ओके, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट एंड माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट आर पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. दोनों रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2050 में इंडिया की प्रोजेक्टेड फर्टिलिटी रेट है 1.29, यानी कि ऑन एन एवरेज 1 वुमेन जो है वो 1.29 बर्थ देगी. ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 रिपोर्ट. ये रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने. ILO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में. विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज पाथवेज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स गोल ऑफ आत्मनिर्भरता रिपोर्ट. ये रिपोर्ट पब्लिश की है नीति आयोग ने. ठीक है, सेकेंड हम देखेंगे कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. वट इज गार्नेट रिसेंटली मैंशन इन द न्यूज. ये एक डीप रेड मिनरल है. ठीक है,
Which South American country reported outbreaks of highly pathogenic avian influenza for the first time? Ye country hai Brazil. Ruang volcano recently seen in the news due to eruption is located in which country? Ye volcano hai Indonesia mein. What is Agastya Gama Bedomi recently seen in the news? Ye kya cheez hai? Ye ek tarah ki lizard hai. Kangaroo lizard isko bolte hain. Aturanagram Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? Abhi just humne iske bare mein baat ki thi. Answer hai Telangana. सिल्वर क्रोकर बिलोंग्स टू विच स्पेशीज? सिल्वर क्रोकर एक तरह की फिश स्पेशीज है. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे एतुरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अभी तीन स्टेट्स में इसके बॉर्डर मौजूद थे. देखिए कई बार होता है कि ऑप्शन में आपको सिर्फ तेलंगाना दे दिया और तीन जो ऑप्शंस रेस्ट दिए जा रहे हैं आपको वो बिल्कुल डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्थ से कोई स्टेट उठा के रख दिए गए ऑप्शंस में, तो वहाँ पे इन दैट केस आंसर वुड बी तेलंगाना. ओके, लास्ट में हम बात करते हैं कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन की. Recently, who has been honored with a plaque at the Jungfraujoch renowned as top of Europe? ये award दिया गया है हमारे famous javelin thrower नीरज चोपड़ा को. Recently, which country won the 9th Government Tech Prize for Artificial Intelligence Powered Government Services at the World Government Summit 2024? यहाँ पे answer है India. Recently, who was awarded the Sahitya Academy Yuva Puraskar for Telugu? ये award दिया गया रमेश कार्तिक नायक को. Koya tribe is an indigenous tribe of which Indian state? ये tribe मिलेगी आपको आंध्र प्रदेश में. Who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's Nyhom Prize for Education? ये award दिया गया सविता लडागे को. Recently, who has been appointed as the Director of the Enforcement Directorate? इसके लिए appoint हुए हैं राहुल नवीन. Which state won the Best State in Horticulture Award 2024 in Agriculture Leadership Awards 2024? Best State in Horticulture Award दिया गया है नागालैंड स्टेट को. ठीक है, तो ये हमारी तीन कैटेगरीज यहाँ पे फिनिश होती हैं. और मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी विद सम होमवर्क. और आपको आज लोकेशंस रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनकी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए या आपके एग्जाम में पूछे जा सकती हैं. ये सारी चीज़ें किसी न किसी वजह से पिछले दिनों न्यूज़ में थी, तो इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए. और इसको आप ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जवाब कमेंट्स में, आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब लिख सकते हैं कमेंट्स में. कोई ऐसी मैंडेटरी बात नहीं है कि सारे आएंगे तभी आपको लिखने मिलेगा. ठीक है, जितने भी आपको आते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा. और सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चन हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा है इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो आप में से कोई भी अगर इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, चलिए फिर कल हम मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे. विद दिस मीन इज हसन साइनिंग ऑफ.